हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाए हैं इजी नुस्खे के रूप में बताने जा रहा हूं जो एलोपैथिक मेडिसिंस है। आपको बहुत सारे क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज जो मैं रिव्यू लेके आ रहा हूं वो एक लोशन के रूप में आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। तो हम जानेंगे इसके बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैंडिड बी लोशन के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप बहुत सारे रिव्यू लेके आ चुका हूँ दोस्तों, जो काफ़ी क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में बात कर चुका हूँ दोस्तों, लेकिन आज जो लेके आया हूँ वो है कैंडिड बी लोशन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे हमारे स्किन के लिए फ़ायदा करता है और लोशन क्रीम में क्या फ़र्क है दोस्तों, कितनी जल्दी ये वर्क करता है दोस्तों। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है दोस्तों यहाँ डोजेज की बात करें तो एज ए डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन यहाँ दिया हुआ है। और इसकी कंपोजिशन की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें क्लोटीमाजोल 1%, बैक्लोमेटासोन डी प्रोपिनेट 0.025% है दोस्तों। तो हम बताएंगे दोस्तों कि ये कौन कौन से हमारे स्किन के लिए फ़ायदा पहुँचा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये लिक्विड फॉर्म में है, लोशन फॉर्म में है। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि जब भी कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लें। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी एक्सपायरी अप्रैल 2018 तक दिया है। सेम एज इट इज आप कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लें, जो कि अभी इसमें टाइम नहीं बचा हुआ दोस्तों। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो आप ऐसे ही आप जब भी कोई भी ट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं, क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लें और जो लंबा डेट हो तभी उसका इस्तेमाल करें दोस्तों। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसी महीने इसकी एक्सपायरी ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लें। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये भी लोशन जो है ये लिक्विड फॉर्म में है और इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 147 रुपीज का है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों ये कैसे हमारे स्किन पर काम करता है दोस्तों। जैसे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें 30 ml जो लिक्विड फॉर्म में है और इसका साल्ट क्लोटीमाजोल एंड बैक्लोमेटासोन लोशन के रूप में है। और इसकी वर्क की बात कर लें दोस्तों कि ये कैसे काम करता है और कौन कौन से स्किन में काम करता है दोस्तों, तो जैसे इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमायोटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी प्यूरेटिक, ये स्किन के लिए दोस्तों है जो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे स्किन पर होने वाले एलर्जी, खुजली और दाद हो जाए और लालीपन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, उसके लिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों काम करता है। हम और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इस ये काफ़ी, अगर आपको मान लीजिए दाद हो गया, खुजली या कोई भी चीज़ हो गया है या एलर्जी हो गया है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में उसे थोड़ा सा लगा लें, लगा के छोड़ दें और इसे कंटिन्यू आप 1 हफ्ते तक यूज़ करें दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर काफ़ी प्रॉब्लम हो तो इसे 2 टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे कंपनी ग्लेनमार्क का बनाया गया है और बहुत ही अच्छे वर्क करता है दोस्तों, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों जब भी आप इस लोशन का इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल करने के बाद इस डब्बे को ऐसे जगह रखें जहां बच्चे पहुंच ना पाए और बच्चे से दूर रखें दोस्तों। और ध्यान रखें कि ये क्रीम आपके मुँह और मकस से बाहर रहे। तो दोस्तों आज आपके लिए इतना ही लेके आया हूँ दोस्तों। कल फिर हाजिर होंगे दूसरे रिव्यू के साथ। तो आज के लिए अलविदा चाहता हूँ दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और आगे जानने के लिए इजी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।